सर स्कंदा और आज ही के दिन द वैक्सीन वॉर आई थी, इस क्लैश के बारे में आप क्या कहें? मैं यही कहूंगा सर कि स्कंदा को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि वैक्सीन वॉर एक अच्छी नॉलेजेबल टॉपिक पे है कि भैया कोरोना काल पे क्या हुआ था और किस तरह से वैक्सीन बनेगी उस पर है, लेकिन मैंने देखा कि स्कंदा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट मिलना भी चाहिए किस, क्योंकि स्कंदा सच में फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है और फैमिली के बारे में बता रही है कि फैमिली में हर रिलेशन का, हर रिश्तेदार का, हमारे माँ बाप भाई बहन का क्या सपोर्ट होता है। और लव एंगल जो दिखाया गया राम पोथरीनी का वो भी काफ़ी दिलचस्प है। और रही बात उसकी जो द वैक्सीन वॉर है, वो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, उसमें कहीं भी कॉमेडी नहीं है, उसमें दर्द दिखाया गया है, टोटली दर्द दिखाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान कैसे पब्लिक घरों में रहती थी, लोगों का बाहर जाना दुश्वार था, पुलिस के डंडे अलग, ठीक है, मतलब कहीं भी कोई कॉमेडी जैसा सीन नहीं है उसमें, टोटली सीरियसनेस दिखाई गई है। हाँ, हमें कुछ नॉलेज के बेस पे ये चीज़ें पता चलती हैं कि किन परेशानियों से गुजर के जाना पड़ा साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने इलाज करते करते अपनी ज़िंदगी गंवा दी, क्योंकि उनको भी मतलब कोरोना का वो हुआ था, वो हो जाता था संक्रमण। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फिल्में अच्छी हैं, लेकिन अभी की बात करूं तो थिएटर्स में सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस कंधा को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसको भी मिलेगा वैक्सीन वर्ग को, लेकिन उतना भी नहीं मिल रहा है जितना इस कंधा को मिल रहा है।